अरविंद केजरीवाल एक महा बेईमान आदमी है। एक ही बोतल के अंदर करप्ट, बेईमान, लुटेरा, झूठा, जितनी चीज़ें एक में डाली जा सकती हैं उसका अंत में नाम निकल के आता है अरविंद केजरीवाल। ये जो तुमने नग रखे हुए हैं इनको 25 करोड़, अभी इनको कोई 25,000 देने को तैयार नहीं। गली गली में 5,000 मांगते फिरते, कोई देता नहीं है इनको। 25 करोड़ मिल रहा है, अरे भैया ऐसे अपना भाव मत लगाओ, इनको कोई 20,000 से ज़्यादा देगा। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी रंग तैयार हो गया है। जहां एक तरफ इंडिया एयरलाइंस अपने गुट को बनाने की तैयारी में है, वहीं पर बीजेपी के नेता देश की राजधानी दिल्ली में फुल फ्लेज में चुनावी मोड में दिख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मेहरौली इलाके में। यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनिंदर सिरसा जी हैं, जो यहाँ पर एक स्लोगन लिख रहे हैं, एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार। ये इस बार स्लोगन लेके लोकसभा चुनाव में आने वाले हैं। और हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता गजेंद्र यादव जी भी हैं। तो देखा जाए तो चुनावी रंग जो है वो देश की राजधानी में देखने को मिल रहा है। हम सिरसा जी, ये किस चीज़ की तैयारी है? ये मोदी जी दोबारा मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने आएंगे तीसरी बार, और पीछे से ज़्यादा, पिछली बार से ज़्यादा जनमत के साथ आएंगे। ऐसे में जो हमारा वोटर है, जो हमारा सपोर्टर है, वो टीवी देखने वाला भी है, वो सोशल मीडिया वाला भी है, और वो भी है जो अखबार जिसके पास भी नहीं आती, जिसके पास टीवी भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी उस वोटर तक हम अपनी आवाज़ को ना पहुँचाएँ, उसको ऐसा ना लगे कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं हमें आपकी भी ज़रूरत है। इसलिए ये उनके लिए खास तौर पर वॉल पेंटिंग की जा रही है, जो लोग ना टीवी देख पाते हैं ना मोबाइल पर ये वीडियो देख पाते हैं। आप जो वॉल पेंटिंग में लोटस बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को जो है वो खरीदने का काम कर रही है। देखो, जब कोई शुभ काम करते हैं ना तो ऐसे लोगों का नाम नहीं लेते, तो आप ऐसी पनौती का नाम मत लें जब मैं शुभ काम कर रहा हूँ। जब मैं काम खत्म करूँगा तो जवाब दूंगा। चलो, तो ये उन्होंने संबोधित किया कि कहीं ना कहीं जो एक है केजरीवाल जी पनौती की तरह है और ये एक शुभ काम कर रहे हैं। हालांकि राजनीति जो है वो अभी चरम पे है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं गजेंद्र जी। गजेंद्र जी, जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर, क्या कहेंगे उसके बारे में? केजरीवाल के दो ही काम है, एक आरोप लगाना, एक भ्रष्टाचार करना। तो भ्रष्टाचार वो इतना ज़्यादा चरम सीमा तक कर चुके हैं कि अब केवल और केवल उन पर आरोप लगाने का ही काम बचा है, और वो शुरू से ही आरोप लगाते रहे हैं। हमारे बहुत सारे बड़े नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए, बाद में कोर्ट में जाके रिटर्न में माफ़ी मांगी। जब उनको खुद को जेल जाने के लिए कोर्ट ऑर्डर करता था माफ़ी मांगो नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, तो केजरीवाल वहाँ पर जाके और माफ़ी मांगते थे, इसीलिए वो यूटर्न है। वो केवल आरोप हैं, खोखले आरोप हैं, उनमें कोई दम नहीं है। चलिए, लगता है सिरसा जी ने अपनी जो पेंटिंग थी वो पूरी कर ली है, और मैसेज जो देना है इस वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों को बताना कि चुनाव में जब लोकसभा चुनाव फिर से होंगे तो लोग बीजेपी को वोट दें। एक बार फिर से चलते हैं सिरसा जी के पास। सर, जिस तरह से 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र मना रहा था और 27 जनवरी के सुबह सुबह ही एक ट्वीट आता है, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसको आप कितना गंभीरता से मानते हैं? सर, तो ऐसा है, अरविंद केजरीवाल एक महा बेईमान आदमी है। जब शब्दकोश का बनाया गया उसमें लगभग सभी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तब शब्दकोश का जिन्होंने गठन किया तब अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे, इसलिए ऐसे शब्द ही नहीं बने जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर फिट हो सकते हों। तो अब उनको आप कोई आदमी क्या कहेगा, बेईमान की चरम सीमा पे है, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए देश का एक वाहद आदमी जिसके लिए दोबारा शब्दकोश का दोबारा से गठन करना पड़ेगा। एक ही बोतल के अंदर करप्ट, बेईमान, लुटेरा, झूठा, जितनी चीज़ें एक में डाली जा सकती हैं उसका अंत में नाम निकल के आता है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल का काम ही ये ड्रामेबाजी करना है, नौटंकीबाजी करना है। अब लोग थक चुके हैं इस नौटंकीबाजी से। तो उनके MLOs के बारे में ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये जो तुमने नग रखे हुए हैं इनको 25 करोड़, अभी इनको कोई 25,000 देने को तैयार नहीं। गली गली में 5,000 मांगते फिरते, कोई देता नहीं है इनको। याद है कि MLA को दौड़ाया था उन्होंने, और पीछे पीछे थी MLA को पुलिस बचा के ले जा रही थी, कह रही थी हमसे 20,000 रुपये मांगता है। 20,000 के लिए तो MLA पिटते रहते हैं, कह रहे 25 करोड़ मिल रहा है। अरे भैया ऐसे अपना भाव मत लगाओ,
इनको कोई 20,000 से ज़्यादा देगा। वो बोलते हैं कि बीजेपी के नेता जानबूझ के उन्हें गिरफ्तार कराना चाहते हैं ताकि लोकसभा चुनाव में वो प्रचार न करें और आम आदमी पार्टी बिखर जाए। बेईमान लोग, अच्छा आम आदमी पार्टी चुनाव करेगी, प्रचार करेगी वोटों के लिए जी। अरे भैया, जितने की मध्य प्रदेश में जाने की टिकट है ना, वो भी 4,000 रुपये की है। अरविंद केजरीवाल जी को 4,000 वोट नहीं मिली। राजस्थान जयपुर उतरना हो ना तो 8,000 रुपये की टिकट है। राजस्थान में 8,000 किसी विधानसभा में वोट नहीं मिली, और तेलंगाना में जाने में तो 15,000 की टिकट है। अरविंद केजरीवाल जी को सारे तेलंगाना में मिला के 15,000 वोट नहीं मिली। अब इससे भी डर लगेगा हमें, इससे भी डर लगेगा। लेकिन पंजाब में तो उन्हें सरकार बना ली। मैं तो आपकी मत मानता हूँ कि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे मनिंदर सिरसा सिंह जी, जो उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। और साथ ही उन्होंने एक तरह से मजाक भी उड़ाया अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि चुनाव को लेकर बीजेपी, जैसा कि इनका कहना था, अरविंद केजरीवाल इतने गंभीर नहीं है कि अरविंद बीजेपी चुनाव में उनको लेकर सीरियस हो। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।